अरे कोई को नहीं, लड़ाई नहीं भाई, एक तरफा लड़ाई है। सभी जाति धर्म के लोग गोलबंद हैं, इसलिए कहीं कुछ नहीं है। कुछ वोट किसी और को ही मिलता है, तो कुछ वोट मिलेगा तो सामने महागठबंधन है उनको मिलेगा, और बाकी एक तरफा लड़ाई है। उसमें कहीं कोई 14 में 14 भी कहेंगे कि जीतेंगे, तो उनके कहने से क्या होता है? उनको जो कहना है वो आप कहिए, हम कुछ नहीं कहेंगे। अरे भैया तो आप जाइए, क्यों तो आप उनसे पूछिए ना, हम उसका कहा देश के हित में, राज्य के हित में, काराकाट के हित में। अभी हम काराकाट में मौजूद है, और काराकाट में जो है हमारे साथ उपेंद्र कुशवाहा जी मौजूद है। सर किस तरीके का लड़ाई दिख रहा है, त्रिकोणीय लड़ाई है यहाँ? अरे कोई कोणीय लड़ाई नहीं भाई, एक तरफा लड़ाई है। यहाँ एक तरफा लड़ाई है एनडीए के पक्ष में। सभी जाति धर्म के लोग गोलबंद हैं, इसलिए कहीं कुछ नहीं है। चुनाव है तो स्वाभाविक रूप से कुछ लोग विरोध में रहेंगे ही। 100% वोट किसी एक उम्मीदवार को थोड़े मिल जाता है, कहीं कुछ वोट किसी और को ही मिलता है। तो कुछ वोट मिलेगा तो सामने महागठबंधन है उनको मिलेगा, और बाकी एक तरफा लड़ाई है। उसमें कहीं कोई पवन सिंह है निर्दलीय, वो कह रहे हैं कि हम जीत गए, पहले ही बोल रहे हो। अब भैया यहाँ 13 या 14 उम्मीदवार हैं, किसी से जाकर पूछ लीजिए, कोई कहेगा कि हारेंगे? कोई नहीं कहेगा कि हारेंगे, तो इसलिए वो 14 में 14 भी कहेंगे कि जीतेंगे, तो उनके कहने से क्या होता है? पवन सिंह के लिए क्या कहिएगा, वो मतलब उनको जो कहना है वो आप कहिए, हम कुछ नहीं कहेंगे। आसनसोल छोड़ भैया तो आप जाइए, क्यों तो आप उनसे पूछिए ना, हम उसका कहा। अरे पवन सिंह चेहरा है सर, क्या? अरे भैया वो आप जानिए ना, वो आप उनसे पूछिए ना, हम सर विकास के लिए क्या कर रहे हैं? विकास के लिए सब, विकास के लिए, अरे विकास के लिए यहाँ डालमिया नगर जो इंडस्ट्रीज का हब था वो फिर से शुरू होगा। यहाँ जो पुरानी सिंचाई की लंबित परियोजनाएं हैं उसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। कृषि आधारित उद्योग की स्थापना करनी पड़ेगी ताकि नौजवानों को रोजगार मिले, यही सारा काम है। काराकाट की जनता के लिए क्या कह रहा? जनता के लिए कहेंगे कि देश के हित में, राज्य के हित में, काराकाट के हित में सब लोग मिलकर प्रधानमंत्री जी के पक्ष में, मुख्यमंत्री जी के पक्ष में, उपेंद्र कुशवाहा के पक्ष में मतदान करें। चलिए चलिए, देखिए अब हमारे साथ उपेंद्र कुशवाहा जी मौजूद थे। आपने सुना कि उनके जो विजन है वो कौन सा विजन लेके चल रहा है, आगे भी हम आपको खबर दिखाते रहेंगे। तब तक आप ऐसे ही आगे खबर जाने के लिए आप हमारे साथ बने रहे और देखते रहे हेडलाइंस बिहार। धन्यवाद।